विश्व भर में हमारा ये भारत देश वेदों की भूमि, धर्म क्षेत्र, दिव्य योग पुरुषों का निलय एवं कितने ही महान महनियों का जन्म स्थल माना जाता है। धर्म की स्थापना करने, धर्म की रक्षा करने एवं धर्म का बोध करने हेतु हर युग में कितने ही महत्वपूर्ण युग पुरुषों की निवास स्थल रही ये पुण्य भूमि। गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, गोदावरी आदि नदियों के प्रवाह से सुंदरता बढ़ती जा रही है हमारे भारत देश की। पवित्रता एवं शांति का दूसरा रूप है हमारा ये देश। हिमालय एवं मानसरोवर का एक अद्भुत प्रदेश है ये भारत देश। काशी, गया, प्रयाग, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी, तिरुपति, कांचीपुरम, मदुरई, सोमनाथ जैसे दिव्य क्षेत्रों का पुण्य स्थल है हमारा ये भारत देश। श्री राम, श्री कृष्ण जैसे अवतार पुरुषों का, बुद्ध, महावीर जैसे युग पुरुषों का, धर्मनिष्ठ रक्षकों का, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महर्षियों का, आदि शंकराचार्य, रामानुज जैसे आचार्यों का और कितने ही तपस्वियों को जन्म देने वाला महान स्थल है ये हमारा भारत देश। ऐसी इस पुण्य भूमि में, दिव्य धरित्री में कितने ही महापुरुषों का अवतार तब से लेके आज तक होता आ रहा है। इन अवतारों में सृष्टिकर्ता विष्णु अवतार, लयकर्ता परमेश्वर के पंच ब्रह्म अवतार एवं जगत माता दुष्टों का नाश करने वाली दुर्गा माता का अवतार भी है। आज भक्त जन इनका आदर करते हुए पूजा करते आ रहे हैं। अवतार कोई भी हो, वो दुष्टों का नाश करने हेतु एवं शिष्टों की रक्षा करने हेतु ही है। गीता में जैसे कहा गया है कि संभवामि युगे युगे, हर बार अवतार लिया जाता है धर्म की रक्षा करने हेतु। समस्त वेदों की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य, मानव सेवा ही अपना धर्म एवं विश्व शांति ही अपना लक्ष्य। इन समस्त अवतारों का एकमात्र रूप इस कलयुग में पैदा हुआ ये युग पुरुष श्री बाला करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते हे सर्वदेव स्वरूपे भगवन बाल साई नमोस्तुते। ओम नमो भगवते श्री बाल साई ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में स्थित है कर्नूल शहर, जो पवित्र तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। उत्तरायण के प्रारंभ में मकर संक्रांति पर्व के दिन यानी जनवरी 14 सन 1907 में श्री रामनाथ शास्त्री और श्रीमती जयलक्ष्मी माई जैसे पुण्य दंपति के घर में जन्म लेने वाले दिव्य पुरुष हैं श्री बालासाई बाबा।